दोस्तों देखो, दो तीन दिन पहले ना YouTube के कमेंट बॉक्स में, जहाँ पर दोस्तों आप अपनी कमेंट करते हो, तो दोस्तों वहाँ पर ना एक व्यक्ति ने मुझसे दोस्तों एक सवाल पूछा। वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोल रहा था कि भाई मैं ना मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी ना एकदम झंड बन चुकी है। तो दोस्तों मैंने उस भाई को बोला कि अरे भाई ऐसा नहीं बोलते, क्या हुआ मुझे बता। तो वो भाई मुझे बोला कि अरे भाई मैं तुझको क्या बताऊँ, वैसे तो मुझे ना किसी भी औरत को पटाने का दिल बहुत ज़्यादा करता है, बट मुझे ना औरतों के साथ बात करने में डर लगता है। मतलब अगर मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि मुझे ना उस औरत के साथ जाकर बात करनी है, तो मतलब अंदर से ना मुझे डर लगता है कि मैं उस औरत के साथ बात करने के लिए कैसा जाऊँ, अगर कुछ हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो उसको दोस्तों बेसिकली डर लगता है। तो उसको दोस्तों ऐसा मुझसे पूछना था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जो करने के बाद ना जो मेरे अंदर का मतलब है डर है, तो उस डर को मैं कैसे भगाऊँ, मतलब मैं कैसे कॉन्फिडेंस के साथ मैं किसी भी औरत के साथ जाकर मैं एकदम बिंदास होकर बात कर सकूँ। तो दोस्तों जब मैंने ये सवाल पढ़ा ना, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि इस भाई को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये सेम प्रॉब्लम मेरे बाकी भी भाइयों को कभी ना कभी तो आती होगी। तो दोस्तों मैंने ऐसा सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर ना एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना के आप सभी को इसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में ना मैं आपको दोस्तों ऐसी कुछ टिप मैं आपको बताने वाला हूँ, जी हाँ दोस्तों ऐसी कुछ टिप मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको दोस्तों अगर आप दोस्तों फॉलो करोगे ना, तो औरतों के साथ बात करने में आपको दोस्तों बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एकदम दोस्तों पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों देखो, अगर आपको ना किसी भी औरत के साथ बात करने में अगर दोस्तों आपको डर लगता है, तो दोस्तों आप ना सबसे पहले दोस्तों आप एक काम करो कि दोस्तों आप ना अपने दिमाग में ज़्यादा दोस्तों सोचो मत, औरत को ना दोस्तों आप एक इंसान की नज़र से देखो। क्या बोला मैंने, आई रिपीट दोस्तों एकदम ध्यान से सुनो कि दोस्तों अपने दिमाग में ना ज़्यादा सोचो मत, और दोस्तों औरत को ना दोस्तों एक इंसान की नज़र से देखो। आप ऐसा सोचो ही मत कि वो औरत है, औरत को इंसान की नज़र से देखो कि वो एक इंसान है, मतलब जैसा मैं एक इंसान हूँ ना, तो वैसा वो भी एक इंसान है, और मैं एक इंसान के साथ बात करने में जा रहा हूँ। मतलब आप ऐसा सोचो मत कि वो औरत है, मैं पुरुष हूँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ। मतलब दोस्तों वैसे तो मतलब आप और वो अलग हो ही, बट दोस्तों अपने दिमाग में ऐसा सोचो मत कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। आप उसको ना दोस्तों इंसान की नज़र से देखो, और दोस्तों अपने दिमाग में ना दोस्तों ज़्यादा सोचो मत कि अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, मैं क्या करूँगा, अगर मेरी इज्जत गई तो। अरे घंटा, कुछ भी नहीं होता ऐसा सबसे पहले, मतलब हमको लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपने दिमाग में ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सीधा जाकर दोस्तों औरत के साथ बात करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, क्योंकि आप एक मर्द हो, और मर्द को दोस्तों डर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आप एक मर्द हो और मर्द के अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। तो दोस्तों आप कभी भी ना ऐसा डरो मत, और बिल्कुल भी अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करो। अभी दोस्तों उसके बाद ना आपको दोस्तों एक दोस्तों काम करना है, उस काम का दोस्तों नाम क्या है कि दोस्तों मिरर प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने, मिरर प्रैक्टिस। इसमें दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों आपके घर में ना दोस्तों कोई ना कोई तो दोस्तों आईना होगा, जिस आईने में आप अपना फेस देखते हो, तो उस आईने के सामने खड़े रहकर ना दोस्तों आपको दोस्तों ऐसा सोचना है कि आपके सामने ना वह आपकी मतलब मोहब्बत है, मतलब आपके सामने आपकी औरत है, मतलब जिस औरत को आप पटाना चाहते हो, जिस औरत के साथ आप बात करना चाहते हो, तो वो औरत ना आपके सामने खड़ी है। और ऐसा सोचने के बाद ना दोस्तों आपको सीधे सीधे मतलब उस आईने के सामने खड़े होकर आपको दोस्तों बात करना शुरू करना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों आपके अंदर ना
कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा दोस्तों आपको हमेशा करना है, क्योंकि दोस्तों आपने अगर मतलब थोड़ा सा किया ना तो इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आपको दोस्तों कम से कम ना 4-5 दिन तो आपको दोस्तों ऐसा ही करना है, तब भी दोस्तों इसका फायदा होगा। अभी दोस्तों उसके बाद जो तीसरे प्रकार का काम है, वो दोस्तों तीसरे प्रकार का काम कौन सा है कि दोस्तों आपको ना दोस्तों उस औरत के साथ आपको दोस्तों सोशल मीडिया पर आपको दोस्तों बातचीत करनी है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने, आपको दोस्तों उस औरत के साथ ना सोशल मीडिया पर आपको दोस्तों बातचीत करनी है। इससे दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों अगर आपने ना 1-2 हफ्ते अगर दोस्तों तो उस औरत के साथ सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों अगर आपने ना 1-2 हफ्ते अगर दोस्तों उस औरत के साथ या फिर उस लड़की के साथ अगर दोस्तों आपने बातचीत करी ना, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको ना उस औरत के सामने जाकर आपको दोस्तों बात करने में बिल्कुल भी दोस्तों नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा ना मैंने दोस्तों खुद किया है, क्योंकि दोस्तों इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ही बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका दोस्तों मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। बाकी दोस्तों आपको सच लगता है या फिर झूठ लगता है वो तो दोस्तों मुझे नहीं पता, बट मतलब अभी जो मैंने आपको काम बताया कि सोशल मीडिया पर बातचीत करो और उसके बाद औरत के साथ बात करो, तो इससे औरत के साथ बात करने में आपको डर नहीं लगेगा। तो एक काम करने के बाद ना दोस्तों आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसके बाद दोस्तों डर लगे, क्योंकि दोस्तों इसका एक्सपीरियंस, इसका अनुभव मैंने दोस्तों खुद मेरे जिंदगी में किया है, तो दोस्तों ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहो और हैप्पी रहो, लव यू सो मच ऑल ऑफ यू।